का सेलिंग के टू तीनों के नाम अलग अलग हैं। पहले मैंने कहा कि डिजिटल है तो डिजिटल आता है कि डिजिटल आपको देखिए उधमपुर जिले की जो चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो थर्ड फेज में वोटिंग करेंगे यानी कि 1 अक्टूबर को। इससे मुतल्लिक जो है जिला पुलिस उधमपुर ने चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम जो है पूरे जिले में कायम किए हुए हैं। हमारी ये कोशिश है कि जिले में जो है फ्री एंड फेयर वोटिंग हो और हर मतदाता जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में। साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में एक महफूज जो है वातावरण तैयार हो ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है और वोटर्स इस टोटल जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें बिना किसी खौफ के पार्टिसिपेट करें। इसलिए हमने जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में सीएपीएफ फोर्सेस की रिक्विजिशन की हुई है और वो हमें मिल रही है। साथ ही साथ जेके आर्म्ड पुलिस की जो है जवान वो भी तैनात किए जाएंगे और जो जिले की हमारी पुलिस नफरी है उनको भी जो है तैनात किया जाएगा। हमने पूरे सिक्योरिटी को जो है प्री पोल और पोल इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। प्री पोल कैटेगरी में हम कैंपेनिंग की सिक्योरिटी, कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी, एरिया डोमिनेशन, एरिया सैनिटाइजेशन जैसी एक्सरसाइजेज जो है वो हम बामल ला रहे हैं और पोल सिक्योरिटी में हम पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, पोलिंग अमला जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से पोलिंग स्टेशन तक जाएगा उनकी सिक्योरिटी, इन सारी चीजों का जो है ख्याल रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जो है उनको भी तैनात किया जाएगा और नाकाबंदी चल रही है, चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जिनके हैं, ऐसे जो एलिमेंट सोसाइटी में है उनके ऊपर जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।